हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी सर्दियों में हाथ और पैरों में आने वाली सूजन और उसमें होने वाली खुजली से परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको इससे बचने के लिए कुछ ऐसे असरदार टिप्स बताऊंगी जिससे आप सर्दियों को बिना दर्द और परेशानी के एंजॉय कर सके। फ्रेंड्स, सर्दियों में हाथ और पैरों में सूजन आने का कारण होता है हाथ और पैरों का अत्यधिक ठंडे माहौल में रहने की वजह से खून का जमना, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ऐसे में हाथ और पैरों का लंबे समय तक ठंडे रहने पर उनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहद कम हो जाता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है और वो लाल रंग की नज़र आने लगती है। लेकिन गर्माहट मिलने पर उनमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे नॉर्मल होने पर दर्द और खुजली भी महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, सर्दियों में हाथ और पैर की सूजन और लालिमा से बचने के लिए मोमबत्ती व सरसों के तेल का मिश्रण बहुत फायदेमंद है। एक कटोरी में सरसों के तेल को गर्म करें और फिर उसमें एक मोमबत्ती डालें। मोमबत्ती को पूरा पिघलने तक इसे पकाएं। अब इसे ठंडा करें और सूजन वाली जगह पर लगाएं। हल्के हाथों से मसाज करें। 2 से 3 बार लगाने पर आपको आराम मिल जाएगा। टिप्स नंबर 2, सर्दियों में हाथ और पैर में होने वाली सूजन और जलन से बचने के लिए गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसमें पैर रखें। पानी की गर्माहट दर्द को खींच लेगी और सेंधा नमक से शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति होगी। पैर को ड्राइनेस से बचाने के लिए इसे दिन में एक बार ही करें। टिप्स नंबर 3, कटोरी में थोड़ा जैतून या नारियल का तेल ले, तवे पर रखकर उसे गर्म कर ले। इस तेल से पैर की मसाज करें। मसाज हल्के हाथों से कुछ मिनटों के लिए करें। इससे प्रभावित नसों में खून का संचार होगा और दर्द दूर होगा। जब तक सूजन बनी रहे, दिन में 2 से 3 बार इस तेल से मसाज करें। ध्यान रखें कि मालिश के समय कमरे का तापमान सामान्य हो। एसी या ठंडे वातावरण में मालिश ना करें। टिप्स नंबर 4, आटे की पोटली गर्म कर 30 मिनट तक दर्द वाली जगह पर लगाएं। उसके बाद गुनगुने पानी से धोकर हल्की मसाज के साथ मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे जल्द ही आपको फायदा मिलेगा। टिप्स नंबर 5, रात को सोने से पहले गर्म सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर हल्के हाथ से सूजन वाली जगह पर लगाए और मोजे पहनकर सो जाए। ऐसा हफ्ते में लगातार 5 से 6 दिन करने पर आपको आराम मिलेगा। टिप्स नंबर 6, हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप रात को सोते समय हल्दी का पेस्ट बनाकर सूजन वाली जगह पर लगाएं। इस उपाय को आप लगातार 3 से 4 दिनों तक करें। इससे दर्द से और खुजली से राहत मिलेगी। टिप्स नंबर 7, हाथ और पैरों की सूजन को मिटाने के लिए मटर भी फायदेमंद है। इसके लिए आपको मटर के दानों को अच्छे से उबाल लें और फिर उस पानी से अपने हाथों और पैरों की सिकाई करके और उसे मोजों से कवर करके रात में सो जाए। इस उपाय को आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करें। टिप्स नंबर 8, प्याज के रस में भी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जिससे हाथ और पैरों की उंगलियों की सूजन कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप प्याज का रस निकालें और सूजन वाली जगह पर लगाएं और पूरी रात के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। टिप्स नंबर 9, नींबू का रस आपके हाथ और पैरों की सूजन को कम करने में संजीवनी का काम करता है। इसके लिए आप एक कटोरी में नींबू का रस निकालें और रात को सोते समय उंगलियों पर लगाकर पैरों को कवर करके सो जाएं। इससे आपको कुछ ही दिनों में सूजन से राहत मिल जाएगी। टिप्स नंबर 10, सुबह शाम के समय पानी में काम करना जरूरी है, तो गर्म पानी का यूज़ करें। बाहर निकलते समय हाथों में दस्ताने और पैरों में जुराब जरूर पहने। जहां तक संभव हो ऊनी व सूती कपड़े पहनने चाहिए। कम सर्दी में सूती और ज़्यादा सर्दी में सूती के ऊपर ऊनी जुराब और दस्ताने पहने। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल बटन है उसे भी हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।